श्रेष्ठ भारत एक बार फिर आपको ले आया है रामलीला मैदान में, जहां पर लव कुश रामलीला जो दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला होती है वो हो रही है। और इस वक्त आप सीधे देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर रामलीला चल रही है, और सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बैठे हुए हैं, यानी नितिन गडकरी भी इसका आनंद ले रहे हैं। और कैसे यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं जो कहीं ना कहीं रामलीला का लुफ्त उठा रहे हैं, लेकिन आज नितिन गडकरी की मौजूदगी कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि ये रामलीला कितनी और ख़ास हो गई है, क्योंकि कल हमने मीनाक्षी लेखी जी को देखा था, लेकिन आज नितिन गडकरी को पहुँचना था और नितिन गडकरी रामलीला देखने के लिए पहुँच चुके हैं। और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रामलीला के प्रसंग चल रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे सही रामलीला और आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी दिलचस्प हो जाएगा कि आगे रामायण का और कौन सा प्रसंग देखने को मिलेगा, और आगे आने वाली तस्वीर आखिर कैसी होगी जो श्रेष्ठ भारत आपको लगातार दिखाता रहेगा और बताता रहेगा कि इस रामलीला में आखिर कौन कौन से किरदार हैं और कौन कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ठीक सामने आप नितिन गडकरी को देख पा रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और नितिन गडकरी इस वक्त रामलीला का आनंद ले रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी यहाँ से रवाना हो जाएंगे, जिसकी तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त श्रेष्ठ भारत दिखा रहा है। और श्रेष्ठ भारत इस रामलीला के हर एक रंग, हर एक मंच से आपको तस्वीर दिखा रहा है, साझा कर रहा है, ताकि आप हर एक तस्वीर इस लवकुश रामलीला से देख पाएँ। सामने की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, लोगों की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, और किस तरीके से कि दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है जो हो रही है उसकी तस्वीरें श्रेष्ठ भारत पर आपके सामने हैं। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आखिर कैसे और बेहतरीन ये रामलीला होने वाली है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।